है ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और देखिए जब कारगिल के पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना यहाँ के आतंकवादी घुसपैठी सब आकर के कारगिल के पहाड़ी पर जो है कब्जा कर लिया और यह युद्ध जो है ना ये सीमा के लेके हुआ था, सीमा संबंधी जैसे भी तृतीय विश्व युद्ध जो है शुरू होने जा रहा है वो सीमा संबंधी के कारण, यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो है अभी तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, क्यों? ये सीमा के कारण, इसके सीमा में ये घुस जाते हैं, इसके सीमा में ये घुस जाते हैं, इसी कारण जो अभी तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। यही कारण था अपने भारत और पाकिस्तान के बीच जब पाकिस्तानी सेना आतंकवादी घुसपैठी सब जो है कारगिल की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया, कारगिल की पहाड़ी पर जब पाकिस्तान की सेना आतंकवादी घुसपैठी सब आकर के अपना कब्जा स्थापित कर लिया और भारतीय सेना को यहाँ पर जो है चुनौती देने लगा, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले भारतीय सेना तो हताश हुआ, भारतीय सेना सबसे पहले ये हताश हो गया क्योंकि भारतीय सेना यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में थे और इधर से पाकिस्तान की सेना आतंकवादी बहुत अधिक मात्रा में थे, पूरे कारगिल के पहाड़ी पर जो है कब्जा स्थापित कर लिया। परंतु यहाँ पर जो है अपने भारतीय सेना मतलब जो है नहीं हताश हुए, यानी घबराया नहीं और पूरे डट करके जो है युद्ध की घोषणा कर दिया। और इस समय अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 3 मई 1999 के समय में जब कारगिल युद्ध हो रहा था या हुआ उस समय अपने भारत के जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अभी बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे और जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है अपने देश के, वो अपने देश का इज्जत है, कोई देश जो है अभी आंख उठा करके भारत की ओर नहीं देख रहा है, क्यों? भारत के प्रधानमंत्री जो है अभी ताकतवर है। उस समय भी यही थे, यानी भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही शक्तिशाली ऐसे ही निडर साहसी आदमी थे, इसी कारण जो है कारगिल की जो है युद्ध में भारत की विजय प्राप्त हुआ। पूरे जो है जोश जुनून के साथ जो है अपने प्रधानमंत्री आदेश दे दिया सभी सेना को जो खत्म कर देना है आज। तो 2 महीनों तक जो है युद्ध चलते गया। पहले तो यहाँ पर भारतीय सेना जो है पीछे हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत की सेना जो थे नीचे थे, यानी निचले भूमि पर, परंतु पाकिस्तान की सेना कारगिल के पहाड़ी पर ऊंचाई वाले भाग पर थे। अब यहाँ पर यह स्वाभाविक बात है कि ऊंचाई वाले भाग पर जो रहेगा उसको जो गोली का निशाना एकदम सीधा लगेगा, ऊपर से जो बॉम्ब फेंकेगा वो नीचे आएगा निशाना पर गिरेगा, परंतु अगर जो नीचे से जो ऊपर गोली चलाएगा वो इतना ऊपर पहुंच नहीं पाएगी, बॉम्ब फेंकेगा तो ऊपर तक नहीं जाएगी, जिसके कारण ये होता था कि भारत जो थे कमजोर पड़ रहा था उस समय और पाकिस्तान की सेना जो पूरे जोशो जुनून में थे क्योंकि ये लोग पहाड़ के ऊपर थे और ऊपर से जो है नीचे देदनादन कर रहे थे, परंतु तब पर भी जो है भारतीय सेना यहाँ पर हताश नहीं हुआ, पूरे जोशो जुनून के साथ जो यहाँ पर युद्ध लड़ा और इस युद्ध में जो है 2.5 यानी 2.5 लाख जो है गोला छोड़ा गया भारत की ओर से, 2.5 लाख गोला यानी बम छोड़ा गया, रॉकेट बहुत सारे, लड़ाकू विमान ये सब बहुत सारे यूज हुआ कारगिल युद्ध में और पूरी सफलता पूर्वक से जो है कारगिल के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया अपना भारत। और इस दिन से जो है 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मना रहे हैं। जिस समय कारगिल युद्ध शुरू नहीं हुआ था उससे पहले जो है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और ये भी संधि करने के लिए, परंतु ये नहीं हो सका और कारगिल के युद्ध जो है शुरू हो गया और अभी जो है तृतीय विश्व युद्ध की होड़ लगे हुए है रूस और यूक्रेन के बीच, जिसमें रूस को जो है बहुत ही शक्तिशाली देश सब साथ दे रहा है, जिसमें चीन जो है ये रूस के साथ दे रहा है और पूरे विश्व में जो है रूस से शक्तिशाली अभी कोई देश है ही नहीं।
तब पर भी अभी जो है यूक्रेन जो है घिरा हुआ है रूस के साथ। तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को जो है घसेट करके भगा दिया, वैसे ही रूस जो है यूक्रेन को भगा देगा। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ तो पाकिस्तान एक बात और भूल गया कि बाप से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को जन्मदाता कौन है? पाकिस्तान को जन्मदाता भारत है, क्योंकि भारत से जो है पाकिस्तान अलग हुआ था, भारत से ना पाकिस्तान अलग हुआ था, इसलिए जो है पाकिस्तान क्या हुआ? भारत का पुत्र हुआ यानी बेटा, और भारत क्या हुआ? उसका बाप। अगर कोई बाप से जो भिड़ेगा लड़ाई करने के लिए तो यहां पर कौन जीतेगा? किसको तजुर्बा यहां पर जा रहा है? बाप को ही। ये भी भूल गया था पाकिस्तान और जो है फिर गया बाप से लड़ाई करने के लिए, तो यहां पर अब बेटा को क्या होगा? हार तो होगा ही। यही हुआ कारगिल युद्ध में कि पाकिस्तान को हार हो गया और भारत को विजय मिली। यही था कारगिल युद्ध। इसमें जो थे